नमस्कार, वेबवार्ता में आपका स्वागत है। आज हम वेबवार्ता में चर्चा करेंगे उज्जैन के सिंहस्थ महाकुंभ में विचार महाकुंभ के आयोजन की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, सिंहस्थ में विचार महाकुंभ के आयोजन को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, संकल्पना और विचार के स्तर पर, सोच के स्तर पर मैं इस आयोजन का निश्चित तौर पर समर्थन करना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि एक अच्छा विचार था। जैसा कि हमने समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उन्होंने कहा कि आजकल लोगों ने शॉर्टकट अपना लिया है। वो मानते हैं कि कुंभ में जाकर, क्षिप्रा में डुबकी लगाकर या प्रयाग में जाकर, त्रिवेणी में डुबकी लगाकर उनके सारे पाप धुल जाते हैं और इससे आगे ये प्रतीक बढ़ नहीं पा रहा है कुंभ का जो है। दरअसल बरसों से जो हमारे यहाँ कुंभ की संकल्पना है वो ये है कि 12 वर्ष बहुत लंबा अंतराल होता है, उसमें राशियों के मेल का जो महत्व है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन राशियों और सितारों के मेल से बड़ा मेल है यहाँ के विचारवान, ऊर्जावान, कर्मशील लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना। और जब आप 12 साल में एक बार इकट्ठे हो रहे हैं तो उस आयोजन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े माने जाने वाले आयोजन ओलंपिक भी 4 साल में आयोजित हो जाते हैं, लेकिन 12 साल में एक बार कोई आयोजन हो रहा है। प्रयाग का और उज्जैन का खासतौर पर 12 साल में होता है, हरिद्वार और नासिक के अर्धकुंभ होते हैं। तो इन आयोजनों की महत्ता इसलिए है कि देश की वैचारिक शक्ति एक जगह आकर लगातार एक महीने तक ये चिंतन करती है कि देश की दशा और दिशा क्या है और उस चिंतन से कर्म रूप में हम क्या कर सकते हैं। दिक्कत ये हो रही है कि चिंतन कुछ खास हो नहीं रहा। जो बड़े बड़े मठाधीश हैं उनके जो पंडाल हैं उनमें कथा और प्रवचन चल रहे हैं, तो भागवत ऐसे अलग से नहीं होती क्या? हिंदुस्तान में लगातार भागवत होती है, रामकथा का पाठ लगातार होता है, लेकिन इन कथाओं से परे जाकर क्या हम देश की वर्तमान परिस्थितियों को, उस वक्त जो देश की परिस्थितियां थी, धर्म की स्थिति थी, धर्म बड़ी चीज थी, उसकी चिंता चर्चा होती थी। आज हम ये भी देखें, आधुनिक युग में टेलीविजन पर लोग लगातार धार्मिक चैनलों को भी देखते हैं, जिसको रामकथा सुननी हो रामकथा सुन लेता, सीडी अवेलेबल है, डीवीडी अवेलेबल है। ऐसे में क्या इस आयोजन को कुछ अलग अनोखा रूप हम नहीं दे सकते? इस सोच के साथ अगर विचार महाकुंभ का आयोजन किया गया तो ये अच्छी बात है कि केवल छिपरा में डुबकी लगाने के बजाय लोग आए विचार करें। अब वो कौन लोग आए, उन्होंने सोचा दुनिया भर के अगर दुनिया भर के विचारक आ रहे हैं तो हम क्या उनको बताना चाह रहे हैं कि हम अच्छा करते हैं, उनसे समझना चाह रहे हैं कि हम अच्छा करते हैं या नहीं करते? फिर जो सुनने वाले लोग हैं वो वही बौद्धिक मनीषी समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं जो वैसे भी इस तरह के आयोजनों से जुड़े रहते हैं, तो उनकी मेधा को अलग से आप क्या दे पाएंगे? वो आम आदमी जो सिर पर गठरी लेकर पंचक्रोशी की यात्रा करता है, वो आदमी जो अपने परिवार को ले जाकर छिपरा में डुबकी लगाता है और सोचता है कि हम धन्य, वो इस आयोजन में कहां पर था? आपने कहा कि जिन किसानों की जमीन लेकर ये आयोजन हो रहा उनको हमने बुलाया, लेकिन वो आम आदमी जिनके विचारों को प्रभावित आप करना चाहते हैं वो कहां पर है? विचार महाकुंभ के वजह से कर्म में जो बदलाव आना चाहिए वो किसके कर्म में बदलाव आना चाहिए? आप सोच रहे हैं कि 100-150 दो पत्रकार वहां पर आए थे, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता थे या विदेशों से जो डेलीगेट्स के रूप में आए थे, वो लोग तो विचार के स्तर पर उस स्तर पर है जहां पर वो अच्छे आयोजनों से, अच्छे विचारों से लगातार जुड़े हैं। कर्म में भी कुछ लोग ऐसे थे जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, उन्हीं के कर्मों का हम बखान करेंगे, लेकिन जो लोग अच्छे कर्म नहीं कर रहे उनको कैसे हम प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, देश में हिंदू, वहां से बातें क्या हो रही, वहां से बात हो रही कि भारत के पास ज्ञान का भंडार है, हमारी जो संपत्ति संपदा है, संस्कृति है, संस्कार है, बहुत पुराने हैं, ताती है, विरासत है, धरोहर है, और इस धरोहर को आगे ले जाकर हम फिर से विश्वगुरु बन जाएंगे। फिर से विश्वगुरु हम मंचों के भाषणों से तो नहीं बनने वाले। जमीन पर हकीकत यह है कि हमारे यहाँ की नदियां सूख रही हैं। जिस पुण्य सलीला मोक्षदायिनी क्षिप्रा के तट पर इस कुंभ के मेले के लगने की बात की जा रही है, दरअसल उसमें हमें नर्मदा का पानी पाइप से लाकर करोड़ों रुपए खर्च करके मिलाना पड़ा है। क्या उस मोक्षदायिनी क्षिप्रा को जीवंत कर लेने का संकल्प इन 3 दिनों में व्यवहारिक स्तर पर नहीं लिया जा सकता था? और उसमें आप देश दुनिया के 3000 लोगों को मत बुलाओ, आप उन लोगों को बुलाओ जो इस विषय की गहरी समझ रखते हैं। उनसे ये बात सही है कि कोई भी काम हम करेंगे तो उसकी रीति नीति पर विचार होगा, तभी एक्शन प्लान बनेगा, लेकिन आप उन्हीं लोगों को बुलाओ ना जो इसको कर्म में परिणित करना चाहते हैं। अगर इस सिंहस्थ के विचार महाकुंभ से केवल एक हासिल आ जाता कि अगले 2 सालों में क्षिप्रा अपने ही पानी से इसी तरह लबालब भरी होगी जैसी नर्मदा के पानी से भरी है, तो मैं इस विचार महाकुंभ को ज्यादा सफल मानता। इस 3 दिनी आयोजन में कुछ निष्कर्ष भी सामने आए हैं, 51 बिंदु भी सामने आए हैं। देखिए, 51 बिंदुओं को निकालने का भी प्रयास अच्छा है। कहा यह जाता है कि जब अमृत कलश छलका उसकी कुछ बूंदें थी वो यहां पर क्षिप्रा में भी गिरी, और इसीलिए क्षिप्रा को इतनी पवित्र पुण्य सलीला नदी माना जाता है। अमृत की उन बूंदों को तो लेकिन हमने देखा नहीं है किसी ने, भौतिक स्वरूप में उन अमृत की बूंदों को देखना चखना ये किंवदंती है या सचमुच अमृत की बूंदें थी ये भी एक बहस का, लेकिन जो भौतिक रूप में दिखाई दे रहा है वो तो विचार और कर्म है।
तो अमृत की उन बूंदों को विचार की बूंदों में बदलना ये अच्छा विचार था। 51 बूंदें विचार की आपने निकाली, उसमें भी आपने गांव देहात कुटीर उद्योग नारी का सम्मान ये बहुत महिला सशक्तिकरण इस तरह के मुद्दों को रखा है। मुझे ये बताइए कि इन मुद्दों से पार पाने के लिए, इन मुद्दों से निपटने के लिए क्या देश में ज्ञान की कमी है क्या? कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक ही उदाहरण उसमें से कि नारी सशक्तिकरण की बात की, कन्या भ्रूण हत्या हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है और हम कितनी भी बेटी बचाओ और इसकी बात करें, कड़वी हकीकत यह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं समाज के तथाकथित, उनके यहीं पर कन्या के भ्रूण को मार देने की सबसे ज्यादा घटनाएं पाई गई हैं, जो कि पहले एक बार देहात में होता था देश के। तो जब पढ़े लिखे लोग अपने घर में पैदा होने वाली कन्याओं को दुनिया में आने नहीं देना चाहते, तो फिर हम इतने विचार कुंभ करके कर क्या लेंगे? ज्ञान की कमी इस देश में नहीं है, ज्ञान का अथाह भंडार है। ज्ञान का प्रवाह तो 5000-10000 जितने साल आप मान ले तब से चला आ रहा है, जब से सनातन संस्कृति वैदिक संस्कृति है तभी से ज्ञान है, और उस ज्ञान में लगातार परिष्कार परिमार्जन होते 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 कुरीतियों को भी जोड़ते हटाते हम लोगों ने एक लंबा सफर तय किया है। कहीं रस्ते में आके गंदे नाले रूप में कुरीतियां मिल गई तो उसको साफ करने की भी व्यवस्था हमारे इसी ज्ञान के प्रभाव में मौजूद थी। लेकिन अब दिक्कत यह हो रही कि ज्ञान का प्रवाह तो अत्यधिक है लेकिन कर्म का प्रवाह पूरी तरह सूख गया है, और कर्म के प्रवाह के सूख जाने की वजह से ही हमारी नदियां सूख रही है, पेड़ कम हो रहे हैं, गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है नदियां, कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, बेरोजगारी है, अशिक्षा है। वो इसलिए है कि ज्ञान के इस प्रचंड भंडार में से कर्म की कुछ बूंदे भी अगर जमीन पर छिटक जाएं तो शायद हम इससे बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। विचार कुंभ के आयोजन में उपेक्षित संतों ने नाराजी जताई है। देखिए अब ये तो हमेशा रहेगा, वही बात है, आप जब इस तरह का आयोजन करते हैं तो बड़ी चुनौती होती है। तो घर की शादी वाली बात है कि बड़ी बुआ और उठ गई और बड़े चाचा जी नहीं माने और ताऊजी, और ये तो जब आप घर में शादी करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि सारे रिश्तेदारों को पीले चावल देके बुलाना होता और वो रूठ नहीं जाकर संतों का सम्मान रखा जाना चाहिए था तो रखा जाना चाहिए था। अगर आपने जिम्मेदारी ओढ़ी है कि हम एक ऐसा आयोजन कर रहे हैं जिसको साथ लेके चलेंगे, जिन लोगों ने इस आयोजन का विचार दिया था शायद उन्हीं लोगों को दूर रखा गया, ऐसा भी आया, मेरे पास तथ्य नहीं है। लेकिन अब जब आप आयोजन करते हैं तो जिम्मेदारी तो आपकी होती है, आपके घर में बेटी का ब्याह है तो आपको देखना पड़ता है कि सारे रिश्तेदार आए और सारे रिश्तेदार खुश रहें। अगर वो रूठे हैं नहीं माने हैं तो ये आपको देखना चाहिए कि गलती कहाँ हुई है, निमंत्रण के स्तर पर, सोच के स्तर पर। पर मुझे लगता है वो आमजन के लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं, आयोजकों को जरूर चिंता इसकी करनी चाहिए। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे सिंहस्थ महाकुंभ में विचार महाकुंभ के आयोजन की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।